हरियाणा में सीईटी ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन। पहली पाली में 210,483 अभ्यर्थी शामिल हुए, दूसरी पाली में 212,889 अभ्यर्थी शामिल हुए। सुबह के पाली की परीक्षा में नकल की 3 शिकायतें मिली। एचएसएससी ने एनटीए माध्यम से आयोजित करवाई थी ये परीक्षा और इसमें नकल की कुछ शिकायतें भी मिली है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए। विजय, देखिए सुबह की पाली की परीक्षा में नकल की 3 शिकायतें मिली थी, परीक्षा करवाई जा रही थी और उसमें 3 शिकायतें मिली। कैसी ये शिकायतें थी और क्या इनका हल निकाला गया? देखिए, जहाँ तक जो शिकायतें थी वो ऐसी शिकायतें हैं, शाम की पाली में भी ऐसी शिकायतें आई थी जिसमें दूसरे के जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति पेपर दे रहा था। जब परीक्षा केंद्रों में पहचान की गई, फोटो से मिलान किया गया, तब जो जांच अधिकारी थे उन्होंने पाया कि शक्लें जो है वो नहीं मिल रही हैं, चेहरे नहीं मिल रहे हैं और उसको देखते हुए पुलिस के हवाले उन अभ्यर्थियों को कर दिया गया है। आज सुबह की पाली में 3 लोग ऐसे पकड़े गए और शाम की पाली में ऐसे 12 लोग पकड़े गए। यानी अगर हम आज पूरे दिन की बात करें तो करीब 15 लोग ऐसे पकड़े गए नकल के मामलों में और जिनके ऊपर अब केस भी दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा अगर हम कुल बात करें तो कई जिलों में एक एक के दो दो लोग पकड़े गए हैं, लेकिन हिसार में सुबह और शाम की पाली को मिलाएं तो 8 लोग सिर्फ हिसार जिले से ही पकड़े गए हैं। सुबह की पाली में 2 लोग थे और शाम की पाली में 6 लोग ऐसे पकड़े गए हैं। इसके अलावा अगर परीक्षा की बात करें तो 62% उपस्थिति रही इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की और जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहां पर काफी भीड़ थी। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से रोडवेज की बसों का सफर तो फ्री किया गया था, लेकिन क्योंकि जो कुल परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, उसको देखते हुए थोड़ी असुविधा जो छात्रों को हुई है, लेकिन बसों की सर्विस है वो सही तरीके से चल रही है और इसके अलावा अशांतिपूर्ण ढंग से रहा, कोई ऐसी अनहोनी घटना सामने नहीं आई है। शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा आयोजित की गई। जरूर सिर्फ 15 लोग जरूर आज पकड़े गए हैं नकलों केस में और 27 जो है वो आगे जो होने वाली परीक्षा है जो कल परीक्षा होगी उसमें भी इस तरह की 27 सरकार की ओर से और स्टाफ नेशनल कमीशन की ओर से देखने को मिलेगी। ठीक है विजय, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।